नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर का है। प्रकाश कौर यानी कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी। धर्मेंद्र जब बॉलीवुड में आए तब इस ग्लैमरस वर्ल्ड में उन्हें हेमा मालिनी खूब भा गई। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को भी धर्मेंद्र पसंद आए। हालांकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, बावजूद इसके धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ साल 1980 में दूसरी शादी की। इससे पहले साल 1954 में धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी हुई थी। उस वक्त धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां अजेता और विजेता। इसके बाद धर्मेंद्र ने बिना प्रकाश कौर को तलाक दिए हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्यार के किस्से से हर कोई वाकिफ है, लेकिन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश कौर ने एक बार एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने पति की दूसरी शादी पर अपना स्टेटमेंट दिया था। प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र के लिए कहा था कि वो उनकी जिंदगी के पहले और आखिरी मर्द हैं। साल 1981 में एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था कि वो पहले और आखिरी शख्स हैं, मेरे बच्चों के पिता हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं, जो हुआ सो हुआ, मुझे नहीं पता किसको ब्लेम करना चाहिए, मैं किसे दोष दूं, उन्हें या अपनी किस्मत को, पता नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि वो जितना भी दूर रहे मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जब उनकी ज़रूरत होगी वो यहाँ होंगे। मेरा विश्वास उन पर से उठा नहीं है, आखिरकार वो मेरे बच्चों के पिता हैं। प्रकाश कौर ने आगे कहा था कि हो सकता है कि वो बहुत अच्छे पति ना हों, लेकिन मेरे लिए वो अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे पिता हैं। उनके बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें कभी भी बच्चों ने खुद से अलग नहीं समझा। आपको बता दें कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने तकरीबन 30 फिल्मों में एक साथ काम किया। इस बीच दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम भी पनपने लगा था। वहीं ऐसा भी हुआ जब इन दोनों के बीच मुश्किलें भी आईं। साल 1975 में फिल्म शोले की रिलीज के ठीक 5 साल बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 2 मई साल 1980 को शादी कर ली और तब से दोनों साथ साथ हैं। हालांकि अब धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में पंजाब में रहते हैं और हेमा मालिनी वो तो सियासत में है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।